नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आप सभी के लिए टाइपिंग रिलेटेड जो क्यूरियोसिटी होती है उन सभी को मैं लेकर के आऊंगा और उसके ऊपर वीडियो बना करके आप सभी के सामने पेश करूंगा। आज जो कि ये मैं कमेंट मैंने ले रखा है, काफी ये पुराना वीडियोस मैंने लिया हुआ है और इसमें आरके वशवान जी ने पूछ रखा है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे से दूसरा ज्यादा तेज टाइपिंग करता है। विश्वास मानिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ही क्यूरी नहीं है। अगर 30,000 लोगों को टाइपिंग में बुलाया जाता है तो उसमें से 25,000 प्लस लोगों की थिंकिंग यही होती है कि बगल वाला जो ही है टाइपिंग फास्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए। हालांकि वो टाइप करे ना करे, आपको ऐसा लगेगा ही लगेगा। मैं अपना सबसे पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो मैंने डाटा एंट्री का मैंने एग्जाम मैंने दिया था 2015 वाले एग्जाम में, वहां पर जो पैसेज टाइप करना था और मेरे अगल बगल में लड़के बैठे हुए थे और वो मेरा सबसे पहला टाइपिंग था डाटा एंट्री का। और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट मेरा होना था, मतलब 35 वर्ड्स पर मिनट वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जब मेरा डाटा एंट्री का जब टाइपिंग जब हुआ था तो बगल वाले ने जैसे ही स्टार्ट किया, ठीक है, मेरे दिमाग में जो कि है चलने लगा कि बगल वाले का फास्ट चल रहा है। ठीक, लेकिन मेरे पास पता था कि मेरे मार्क्स इतने ही हैं कि मैं टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पा सॉरी मैं टाइपिंग क्वालिफाई कर भी जाऊं तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। लेकिन मैंने फिर भी अपना 100% दिया था और विश्वास कीजिए, उस बंदे से पहले मैंने अपना टाइपिंग कंप्लीट किया था और उस टाइपिंग में मैंने पास भी किया था। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ कि ये हमारे साथ होता क्यों है और ये चीज जो कि ये हर किसी के साथ होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक यही चीज है, दो तीन चीज है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, और ये कभी भी आप नहीं जान सकते कि बगल वाले का स्पीड आपसे कितना ज्यादा है या कितना ज्यादा नहीं। सबसे पहला चीज, जब आप टाइपिंग देने जाते हो तो पूरा का पूरा कमरा एक लॉक होता है, ठीक है, एक दरवाजा ही होता है और उसमें जो की है टाइपिंग की आवाज गूंजती है। ठीक है, अगर एक ही समय पे लोग जो कि है टाइप करना कुछ स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर तीन चार दोस्त साथ में मिलकर के बैठ करके टाइपिंग करोगे तो वो फोबिया जो कि है धीरे धीरे खत्म होगा। या तो फिर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, उसके टाइपिंग के साउंड को सुनिए और हो सके तो जितना आपका कान सह सकता है उतना तक उसे वॉल्यूम करके सुनते हुए टाइपिंग करें। काफी बेनिफिट आपको उससे मिलता है और उससे डर निकलता है। ठीक है, तो एक सबसे पहली बात तो की है रूम जो की है क्लोज होता है और उसमें वो चीज जो की है गूंजता है। ठीक है, आपको अपना की डिप्रेशन नहीं सुनाई देगा लेकिन आपको अगल बगल वाले का आगे पीछे वाले का सुनाई देता है। और इसलिए लगता है आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि वो जो गूंजने का आवाज जो कि है हर किसी के कीबोर्ड से आता है और वो कंटिन्यूअस फ्लो में रहता है, इसलिए आपको लगता है कि आपका स्पीड जो कि है कम है औरों से या तो फिर अगल बगल वाले से। तो सबसे पहले इस डर को निकालिए। दूसरा सबसे बड़ा जो कि रीजन मुझे लगता है, हर किसी में ये थिंकिंग सही चीज है कि आपने टायर 1 का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, टायर 2 भी आपने क्वालिफाई किया है, इनमें काफी मेहनत आप करते हो, टाइपिंग सिर्फ और सिर्फ आपका 10 मिनट का खेल होता है और इसे सबसे इजीली लोग लेते हैं। ठीक है, इसे जो कि है लोग बहुत ही आसानी पूर्वक लेते हैं। वो आपको मैं विश्वास करा दूं कि टायर 1 की आप एग्जाम की तैयारी करते हो 2 साल 3 साल और टाइपिंग की तैयारी लोग करते हैं 3 मंथ 4 मंथ में और वो निकालते हैं। ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं या तो फिर निकाल लेते हैं, जनरली लोग निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो उस समय पे हमारे दिमाग में बस और बस एक ही चीज होता है कि मैंने इतना मेहनत करके टायर 1 निकाल लिया है, मैंने इतना मेहनत करके टायर 2 निकाल लिया है, अगर मेरा टाइपिंग में नहीं हुआ तो मेरा ये मार्क्स धरे के धरे रह जाएंगे और हम किसी काम के नहीं रहेंगे। और इससे भी बड़ा दुख और दर्द ये होता है ये सोच करके कि यार मेरे इतने अच्छे नंबर हैं और अगर इस मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला अगर हो टाइपिंग के कारण मैं फेल हो जाऊं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। सबसे पहली बात तो कि इन सभी चीजों को अपने मन से निकाल करके ही चले। ठीक है, और यही रीजन है कि हमें एग्जाम टाइम में हड़बड़ाहट होती है। ठीक है, दूसरी बात, हमें डर लगने लगता है। आप लिटरली, मैं आपको एक बात एक बता रहा हूं,
जब टाइपिंग आप स्टार्ट जब करोगे, अगर आपका फर्स्ट टाइम अगर है, तो मैंने तो पहले ही बोल रहा हूँ कि जो मैं साउंड वाली लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसे जाकर के सुनते सुनते वह टाइपिंग करें, ठीक है। और दोनों के दोनों कान में आपका हेडफोन लगा होना चाहिए। ईयरफोन से ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए हेडफोन, क्योंकि वो पूरा पूरा कान जो की है, मतलब आपको, मतलब वो ऐसा कर देगा कि आप जो की है उंगलियां आपकी कांपने स्टार्ट हो जाएगी। और यही मैंने आप सभी को एग्जांपल दिया था अपने टाइपिंग टेस्ट में। अगर बहुत पहले ही मैंने वो सभी वीडियो बनाता था, उसमें मैंने बताया था कि मैंने टाइपिंग टेस्ट के एग्जाम में डाटा एंट्री में उतना नहीं हड़बड़ाया था, लेकिन टाइपिंग वाले एग्जाम में जो कि 10 मिनट का था, डाटा एंट्री वाला 15 मिनट का था और टाइपिंग वाला 10 मिनट का था, इसमें शुरुआत के 1-1.5 मिनट मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। और ठंडे के दिन में, मतलब फरवरी में वो एग्जाम हुआ था, और विश्वास नहीं करोगे आप कि मेरा पूरा का पूरा पसीना चू गया था चेहरे से, ठीक है। मतलब कंडीशन ये हो गई थी, ठीक है, फरवरी के मंथ में पूरा पूरा पसीना चू जाना, और साथ ही साथ मेरी उंगलियां जो की है पूरा का पूरा कंपन करने लगा था। लेकिन फिर भी मैंने उस टाइपिंग को पास किया था, क्योंकि बीच में ही मेरे पास फीलिंग आ गई थी कि मेरे पास वैसे भी नंबर खराब ही है, और इसमें भी पास कर भी जाऊंगा तो पोस्ट मुझे मिलना नहीं था, इसमें मैंने आराम से किया था। और टाइपिंग मेरा 35 का ही स्पीड था, फिर भी मैंने पास कर लिया था। आप सभी कुछ कुछ लोग जो कि मेरे इस बात को हर एक वीडियो में सुनते होगा, कि कभी कभी आप सभी सोचते भी होगी कि मैंने ये बात को बोल करके अपना बड़ाई करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं इन सही बातों को बोल के मैं बड़ाई नहीं करता हूँ, बल्कि आप सभी को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता हूँ कि आप सभी जो की है सबसे पहले अपने आप पे विश्वास रखें। विश्वास से बड़ा और कोई चीज नहीं होता है। अगर मैंने 35 का स्पीड में भी कुछ शुरुआत के 1 से 1.5 मिनट अपना वेस्ट करके भी अगर टाइपिंग कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हो। और इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरत है। एक और बात, आपके पास फ्रेंड सर्किल में कुछ कुछ और लोगों का निकला हुआ होता है, वो लोग आपको एक बात बोलते हैं जो कि मेरे को किसी फ्रेंड ने नहीं बोला था, मेरे सीनियर एक भैया थे वो मुझे बोले थे, जब उन्हें मैंने बताया था कि मेरे 35 30 35 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा टाइपिंग स्पीड, मतलब 35 के आसपास में, उन्होंने बोला था बिना 40 45 लाए हुए छोटू, सॉरी छोटू उनका वर्ड बोला हुआ मुझे आज तक याद है, तो बिना इतना लाए हुए पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी वजह होता है, और हमारे पास होता है क्या है कि फ्रेंड लोग होते हैं हमेशा बोलते हैं कि 40 45 के बिना तुम टाइपिंग पास नहीं कर पाओगे। बिलीव मी, पिछले लास्ट ईयर से मैं शायद मंथ मई से मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, और काफी लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं एग्जाम के समय पे कि 35 का स्पीड है भाई, टाइपिंग क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं। लोग बोल रहे हैं कि 40+ रहने पे ही वहां पे 35 की स्पीड आ पाती है, और 45 वाले लोग आराम से पास करते हैं। मेरी बातों को विश्वास कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 35 का स्पीड रहते हुए भी आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, और वहां पर 1 मिनट और बच भी जाएगा आपको, ठीक है। ये मेरी बात को सबसे पहले आप विश्वास पहले करो, लेकिन उसके लिए आपके पास सबसे मेन चीज आपके पास होना क्या चाहिए कि आपके अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक। अब ये बात आप पूछोगे कि 35 का स्पीड 1 मिनट बचा भी कैसे लोगे आप? देखो होता क्या है कि एग्जाम में हमारा इफिशियंसी चाहे तो फिर अपने आप इंक्रीज करता है, चाहे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिक्रीज करता है। अगर आप मैथ बनाते हो घर पे, मैं मैथ का एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं मैथ जो की है आधे घंटे में मतलब 15 20 सवाल ही कर पाता हूँ, लेकिन एग्जाम में जो की है 20 मिनट में 25 सवाल हो जाते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं वो मुझे समझ में भी नहीं आता है। और वही मैं मॉक टेस्ट भी देता हूँ तो उसमें भी वही चीज होते हैं, तो थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ता भी है और हड़बड़ाने पे घटता भी है, और जो हड़बड़ाते हैं जिनका स्पीड अच्छा होता है उनका भी टाइपिंग खराब हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा और इन सभी चीजों को फॉलो कीजिएगा, और हो सके तो टाइपिंग के दिन जो कि है कभी भी अपने अगल बगल वाले से बात नहीं करना है, आपके मार्क्स कितने हैं, क्या है फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं। आपके कितने भी नंबर आ रहे हो भाई, टाइपिंग के ऊपर अच्छे से फोकस रहिए। आपको आपको अगर मार्क्स कम भी अगर होंगे, तो ये जो कि है आपका एक्सपीरियंस जो कि आप गेन करोगे टाइपिंग का एग्जाम दे करके, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा एक एक्सपीरियंस एक होता है, और ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी भी पा नहीं सकते। और अगर आप इस एक्सपीरियंस को पा लेते हो, तो आप सीजीएल के जो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट की जो टाइपिंग होती है वो
फिर आपका सीएचएसएल कभी भी निकलेगा उससे, फिर आप स्टेट की भी कई सारे एग्जाम देते होगे, उसमें टाइपिंग टाइपिंग आजकल मेन फैक्टर बन चुका है और टाइपिंग का एक्सपीरियंस लेना सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, तो प्लीज 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 टाइपिंग के एग्जाम देने जाइए, अपने आप पे विश्वास रखिए, बिलीव मी 35 भी अगर आपका स्पीड होगा तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा, आशा करूंगा कि इस वीडियो से अगर आपको कोई बेनिफिट अगर हुआ होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलता हूँ मैं, थैंक यू, टाटा एंड बाय।